नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्टाइलिश सिस्टर अल्लू अर्जुन की मूवी आला बेकुंठा पुरामलो के अपने 13 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वही दोस्तों बॉक्स ऑफिस क्लैश महेश बाबू की फिल्म शरी लारू निक कैबरो के अपने 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और देखेंगे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में किस मूवी ने मारी है बाजी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों पहला अगर बात करें महेश बाबू की फिल्म शरी लारू निक कैबरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। कमना लोड एताल रा चेक पोस्ट पड़ता दी। तो दोस्तों शरी लारू निक कैबरो के टोटल बजट है 100 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 45 करोड़ 70 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 13 करोड़ 70 लाख रुपए। इसी तरह से दोस्तों मूवी शरी लारू निक कैबरो ने अपने 6 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 110 करोड़ 50 लाख रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने अपने 7वें दिन से लेकर 13वें दिन तक इंडिया बॉक्स ऑफिस पे टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है 45 करोड़ 70 लाख रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के 14वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों अभी के जानकारी के अनुसार फिल्म शरी लारू निक कैबरो अपने रिलीज के 14वें दिन यानी आज को इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म शरी लारू निक कैबरो के अपने 14 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन हो चुके हैं 157 करोड़ 70 लाख रुपए। वहीं दोस्तों फिल्म के अपने 14 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं 183 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों फिल्म शरी लारू निक कैबरो ने अपने 14 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 25 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां फिल्म के अपने 14 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं 183 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने 14 दिनों में ओवरसीज मार्केट से टोटल कलेक्शन कर लिया है 25 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों महेश बाबू की फिल्म शरी लारू निक कैबरो ने अपने 14 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 208 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही था फिल्म शरी लारू निक कैबरो के अपने 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि हो चुके हैं 208 करोड़ रुपए। अब अगर बात की जाए दोस्तों स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की मूवी आला बेकुंठा पुरामलो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। स्टाइल गुण कर है? ना गुड नचिंदे। तो दोस्तों स्टाइलिश स्टार आलू अर्जुन की मूवी आला बेकुंठा पुरामलो के टोटल बजट है 80 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 37 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 14 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी तरह से दोस्तों आला बेकुंठा पुरामलो ने अपने 5 दिनों में इंडिया बॉक्स ऑफिस पे टोटल नेट कलेक्शन कर लिया था 100 करोड़ 70 लाख रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने अपने 6वें दिन से लेकर 12वें दिन तक इंडिया बॉक्स ऑफिस पे टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है 67 करोड़ 70 लाख रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के 13वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों अभी के जानकारी के अनुसार फिल्म आला बेकुंठा पुरामलो अपने रिलीज के 13वें दिन यानी आज को इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया है 3 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म आला बेकुंठा पुरामलो के अपने 13 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुके हैं 171 करोड़ 40 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म के अपने 13 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं 199 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों फिल्म आला बेकुंठा पुरामलो ने अपने 13 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 32 करोड़ रुपए तक। तो दोस्तों जहां फिल्म के अपने 13 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं 199 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने 13 दिनों में ओवरसीज मार्केट से टोटल कलेक्शन कर लिया है 32 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों स्टाइलिश स्टार आलू अर्जुन की मूवी आला बेकुंठा पुरामलो ने अपने 13 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 231 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही था फिल्म आला बेकुंठा पुरामलो के अपने 13 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि हो चुके हैं 231 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां महेश बाबू की फिल्म शरी लारू निक कैबरो ने अपने 14 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 208 करोड़ रुपए, वही दोस्तों स्टाइलिश स्टार आलू अर्जुन की मूवी आला बेकुंठा पुरामलो ने अपने 13 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 231 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों कलेक्शन के मामले में फिल्म आला बेकुंठा पुरामलो शरी लारू निक कैबरो से आगे थे और शायद आगे ही रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। इसी तरह के बॉक्स ऑफिस खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।